भाजपा की केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हुए और इस अवसर पर पूरे देश में सेवा दिवस के तौर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा महाराष्ट्र स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण हुए, सबसे पहले हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और इस अवसर पर जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया कि बड़ी संख्या में हम ब्लड डोनेशन कैंप लगा के और ब्लड इकट्ठा करेंगे ब्लड बैंक में। आज का समय जो है उसमें लोगों को ब्लड की नितांत आवश्यकता पड़ रही है, प्लाज्मा डोनेट करना पड़ रहे हैं और परिस्थिति से हम सब अवगत हैं, इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप्स करने का आह्वान किया। और इसी आह्वान के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी और महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया जी द्वारा सभी जिलों में ये कार्यक्रम करने का लोगों को आग्रह किया गया। और ऐसी परिस्थिति में सभी बहनों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जबलपुर ने भी आज महाराष्ट्र स्कूल में यह शिविर आयोजित किया और बड़े उत्साह के साथ बहनें आज यहाँ पर रक्तदान करने के लिए आई हैं और हम सब इस रक्तदान शिविर को करके हमारी तरफ से जो सेवा ही संगठन का जो संकल्प हमने लिया है उस ओर हम जितना बढ़ सकेंगे और जन सेवा का संकल्प ले सकेंगे उसके लिए हम सब यहाँ पर आ जाएंगे। लगभग कितनी महिलाएं यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रही हैं? अभी 4 बजे तक हमारे कैंप चलेगा। अभी वर्तमान में 10 लोग यहाँ पर हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जबलपुर जिले के नगर अध्यक्ष महिला मोर्चे के श्रीमती अश्वनी प्रांत के राजवाड़ी जी के नेतृत्व में प्रदेश की गाइडलाइंस से जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में सेवा ही संगठन के कार्य के अंतर्गत हम यहाँ पर राष्ट्रीय स्कूल में महिला मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और सभी बहनों ने वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहन किया है 18+42 के लिए। और यहाँ पर सभी बहनों ने इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर आज प्रधानमंत्री के 7 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं जिसमें इस पंचवर्षीय के 2 वर्ष महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। कुशल संगठक और कुशल नेतृत्व हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग शुभकामनाएँ भेजते हैं। माननीय गृहमंत्री सम्माननीय अमित शाह जी को भी हम लोग शुभकामनाएँ भेजते हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को भी हम लोग आज के 2 वर्ष कुशल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री जी को भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। संगठन के हमारे कुशल संगठन सम्माननीय प्रदेश के विष्णु दत्त जी हमारे लोगों भी हम अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। प्रदेश के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भी हम आज जिले की तरफ से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और सेवा ही संगठन कार्य को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। जय हिंद जय भारत।